अलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चाइनीज़ भेल। सबसे पहले हमने इस तरह के नूडल्स लिए हैं, हमें इसे बॉईल करके फ्राई करना है। कटोरी गोभी ली है हमने, उसको हमने इस तरह से काट लिया है। आधी कटोरी फूल प्याज, हमने लहसुन के 20 से 25 कलियां लिए हैं और 1.5 इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है। लाल मिर्च को हमने 1 घंटा पहले गर्म पानी में भिगोने के लिए रख दिया था। नमक स्वाद अनुसार, फूड कलर 1/2 चम्मच, सोया सॉस 1/2 चम्मच, टमाटो केचप 1/2 चम्मच, विनेगर हमने 1 से 1.5 लीटर पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है। इसमें हम 1/2 चम्मच नमक डालेंगे, 2 से 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल। पानी इस तरह से बॉईल हो जाए तब हम इसमें ये नूडल्स डालेंगे। हमें नूडल्स को फुल बॉईल नहीं करना है, 80% तक ही बॉईल करना है। ये नूडल्स 80% बॉईल हो चुके हैं, अब हम इसे छान लेंगे। मैं आपको दूसरा तरीका भी बताती हूँ। जो हमने नूडल्स बॉईल करके लिए हैं, उसे हम एक कॉटन की दुपट्टा या टिश्यू पेपर पर इस तरह से फैला देंगे ताकि इसका सारा पानी सूख जाए और ये फ्राई करने के बाद बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो। हमने एक मिक्सर का जार लिया है, उसमें हम ये जो मिर्ची हमने फूलने के लिए रख दी थी वो डाल के उसे बारीक पीस लेंगे। हमें इसमें ही थोड़ा पानी डालना है और उसे पीस लेना है। हमने मिर्ची को इस तरह से बारीक पीस लिया है। हमने जो अदरक और लहसुन लिया है उसे हम चॉपर की मदद से बारीक चॉप करके लेंगे। अदरक और लहसुन को अच्छी तरह से बारीक चॉप करके ले लिया है। हम चाइनीज़ भेल की चटनी तैयार करेंगे। उसके लिए हम एक पैन में 2 से 3 चम्मच ऑयल डालेंगे। अदरक और लहसुन चॉप करके लिया है वो डालेंगे। हमें इसे ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ इसका कच्चापन दूर करना है। इसे सिर्फ 1 मिनट ही पकाया है। अब हम इसमें जो हमने मिर्ची पीस के लिए है वो शामिल करेंगे। हमने जिसमें मिर्ची पीसी थी उसी जार में हम पानी 1/2 कप डालेंगे और ये इसमें शामिल करेंगे। इसमें 1 कप के आसपास पानी डाला है। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, 1 चम्मच सोया सॉस, 1 चम्मच टमाटो केचप, फूड कलर 1 चम्मच, विनेगर और इन सबको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। हमें इसे अच्छे से पकाना है। चटनी या सॉस इस तरह से पक जाए, हमने इसे 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह पका लिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर लेंगे, उसमें थोड़ा पानी ऐड करके उसे मिक्स कर लेंगे और इसमें आहिस्ता आहिस्ता डाल के उसे हिलाते रहेंगे। चटनी बनके रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये चटनी हम 1 महीने तक फ्रिज में रख के यूज़ कर सकते हैं। अब हमें इस नूडल्स में 1 चम्मच के आसपास कॉर्नफ्लोर ऐड करना है और उसे अच्छे से इस तरह
मिक्स करना है। हमें कॉर्नफ्लावर ज़्यादा नहीं लगाना है, थोड़ा ही लगाना है। हमने एक कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया है। जब तेल अच्छे से गरम हो जाए तब हम इसमें हमारे नूडल्स फ्राई करेंगे। हमें नूडल्स थोड़े थोड़े करके फ्राई करने हैं। हमें इसे हाई फ्लेम पर ही फ्राई करना है। हमारे नूडल अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। हमने सारे नूडल्स को इस तरह से फ्राई करके ले लिया है। आप देख सकते हैं कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। चाइनीज़ भेल तैयार करते हैं। सबसे पहले हम नूडल्स को इस तरह से तोड़ के लेंगे। अब हम इसमें थोड़ी कटी हुई प्याज, ऊल प्याज और हमने जो वो भी काट के ली ही थी वो इसमें शामिल करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें हमने जो इसका सॉस तैयार किया था वो डालेंगे। और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा एक चम्मच टमाटो की चप ऐड करेंगे, चम्मच सोया सॉस डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।